जो वक्त गुजरा है उसे भुलाना आसान नहीं, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। वक्त तो चलायमान है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। साल 2022 में कई ऐसे मौके आए जब देश में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होते नजर आए। इसके अलावा कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ने देश की शांति सुरक्षा को भी प्रभावित किया। नमस्ते, मैं ऋषभ हूं और आप हैं मंच पर। राजनीति के लिहाज से साल 2022 काफी अहम रहा। कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव, जिनमें कुछ सियासी दलों के लिए 2022 नए अवसर लाया तो कुछ के लिए कड़ी मेहनत का संदेश भी देकर जा रहा है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि वो राजनीतिक घटनाएं कौन सी रही जो 2022 में सुर्खियां बनी। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही। साल की शुरुआत को अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1 जनवरी को ही वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद 5 जनवरी को पंजाब में पीएम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती गई। पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी के काफिले को एक पुल पर किसानों ने रोक लिया। फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को बाधित कर दिया जहां से प्रधानमंत्री के काफिले को गुजरना था। इस वजह से एक फ्लाईओवर पर पीएम मोदी करीब आधा घंटा फंसे रहे। घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट गए। पीएम मोदी का काफिला जहां रुका था, वहां से पाकिस्तान बॉर्डर महज 20 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक माना गया। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा। इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, या यूं कहें कि बड़ा उलटफेर, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव रहा। 25 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई सदस्य पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इस अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। खड़गे को कुल 7,897 वोट, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। लंबे अरसे बाद सियासत में कोई ऐसी पदयात्रा हो रही है जो कि 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू होकर 150 दिनों में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रीनगर में खत्म होगी। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम। इस साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने वापसी करते हुए इतिहास रचा, और इसके साथ ही गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। यूपी में अखिलेश की घेराबंदी को सीएम योगी ने तहस नहस कर दिया। वहीं पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू से पूरा विपक्ष साफ हो गया। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाहर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस जीत ने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित कर दिया। नूपुर शर्मा विवाद और पीएफआई पर बैन। बीजेपी से निष्कासित नूपुर शर्मा की ओर से मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम आया, जिसके चलते इसके 100 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार भी किया गया। नूपुर शर्मा के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सऊदी अरब और कतर सहित तमाम मुस्लिम देशों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं बीजेपी ने नूपुर शर्मा के विवादित बयान से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और इसके साथ ही सरकार ने सितंबर महीने में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसे विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं जिनसे जन व्यवस्था प्रभावित हुई है, देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही उसे लागू करने की कोशिश भी की जा रही है। पीएफआई का गठन 22 नवंबर 2006 को केरल के कोझिकोड में हुआ। महाराष्ट्र बिहार में सत्ता परिवर्तन। इस साल महाराष्ट्र और बिहार में सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में एक अरसे बाद शिवसेना सत्ता से बाहर हुई, उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिन गई, तो बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर दिया गया। महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से ज्यादा विधायकों ने उद्धव से बगावत कर दी। बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गुजरात में बीजेपी तो हिमाचल में कांग्रेस को मिला जनादेश। साल के आखिरी महीने में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से हिमाचल की सत्ता फिसल गई। जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश दिया। वहीं 27 सालों से गुजरात की सत्ता में काबिज बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई।
पार्टी ने 182 में से 150 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। गुजरात में इतनी बड़ी जीत अब तक किसी सियासी दल को नहीं मिली थी। इस जीत से पीएम नरेंद्र मोदी का कद और भी ऊंचा हुआ। आपकी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।